अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। ये मेरी हज की चौथी वीडियो है, ये लास्ट वीडियो हज की, और पहले तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी तो इसके लास्ट में 15 सेकंड पहले प्लेलिस्ट आपको डिस्प्ले होगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तवाफ़ुल ज़ियारा करने के बाद हम अपने कैंप में आ गए मीना में, तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि जो लोग विदाउट परमिट आए होते हैं वो वहाँ रोड के ऊपर ही सोए होते हैं। कुछ साथ में एक मस्जिद थी मस्जिद खिफा, तो उसके वाशरूम में तक सोए हुए थे और कुछ मस्जिद के अंदर सोए हुए थे। रात का एक हो गया, माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई है। होटल वाले ये लोग हैं द्वारों के साथ, यहाँ इन्होंने सो जाना है जो विदाउट तशरी आए हुए हैं। ये खाने वालों की लाइन लगी हुई है जो विदाउट कैंप है, विदाउट तशरी है, वो यहाँ से खाना वगैरह हासिल करते हैं। ये ऐसे लोगों के लगेज पड़े हुए हैं ये, और ये तो मस्जिद के द्वार के साथ ये इसी तरह। ये कोई दुकान नहीं बैग वालों की, ये उन्हीं लोगों के हैं जो अभी तो तशरीह या इलीगल से तरीके से आए हुए हैं। ये मस्जिद का बंद आदमी के टॉयलेट्स, ये मस्जिद के अंदर बाथरूम के अंदर जो है वो लगाए हुए हैं बिस्तर। मैदान अरफात में बड़ी अच्छी बारिश हुई थी और मीना में भी 11 जुलहज को बहुत अच्छी से बारिश हुई थी। एक बारिश हो रही है मीना में, देखो। और बाकी आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, आवाज़ भी शायद आपको आ ही रहा। आज मीना में बड़ी अच्छी बारिश हुई है और अभी हम आ रहे हैं रास्ते से जबरात से कंकरियाँ मार के, साथ साथ हल्की हल्की बूंदा बांदी और बड़ा अच्छा मौसम, आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और ये लोग जा रहे हैं अभी जबरात की तरफ कंकरियाँ मारने के लिए, काफ़ी रौनक लगी हुई, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। साथ में सिक्योरिटी वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये मस्जिद हाइफ मीना में एक ही बड़ी मस्जिद है, और जो लोग इलीगल आए हुए हैं उनके बाथरूम में सोए हुए हैं, और क्या माहौल बना हुआ है। हमारा खेमा इधर ही है और इसकी बैक साइड में ये बिल्कुल हमारा जमरात शुरू हो जाता है पीछे। ये बिल्कुल जो सामने बिल्डिंग है ये वाली, ये जमरात है, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे, हम वहाँ गए तो वहाँ सीधे आ गए शैतान को पहुँच गए हमारे। ये हमारे इंडियन भाई हैं, हमारे कैंप पे बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, तो याद रखेंगे हम। और ये हमारा कैंप आ गया, रात का खाना हमारा राइस और इसमें नूडल्स। आज 12 जुलहज हम रमी करने के लिए जा रहे हैं, यह हमारा मकतब है,
आज काफ़ी लोग तो जा चुके हैं बारह ग्रामी करके हरम, वहाँ से तो आप अलविदा करेंगे और उनका हज कंप्लीट हो जाए। और अभी हम जाएंगे जमरात के लिए, रमी करने के लिए निकलने लगे हैं। वो जो सामने बिल्डिंग है वो जमारात की, हमारे इस खेमा से कैंप से बिल्कुल ही नज़दीक। ये पानी पीने के लिए डिस्पेंसर लगे हैं, ज़बरदस्त डिस्पेंसर, पानी बड़े आसानी से पिया जाता है। यहाँ से आप प्रेस करें, पानी निकलेगा और पी लें। चले आप मंजिल की तरफ। हाँ ना, ये बुज़ुर्ग अपना एड्रेस बोल के हमसे फ़ोन लेके एड्रेस पूछ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान भाई और ये दूसरे कराची के भाई। इतफाक़ है तब तो तहक पर मैं तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि साथ में एलिवेटर भी लगे हुए। सामने जमरात, ये जमरात के अंदर एंटर हो रहे हैं। सामने बोर्ड भी लगा, हम इस तरफ जाएंगे। वो सामने पहला शैतान छोटा, पहले हम इसको सात पिंकड़ियाँ मारेंगे। ये ऊपर एसी लगे हुए हैं बड़े बड़े दोनों साइडों में। अब हम जा रहे हैं बड़े स्थान की तरफ, लास्ट स्थान है ये। ज़ुलहज तक मीना में रुके थे और 13 ज़ुलहज को हमने रमी की और असर के वक़्त हम वहाँ से निकले और तो अफल विदा के लिए हरम पाक पहुँचे। क्या खाना क्या आप ले आइए, मेरे से मैं रख दूंगा, लेकिन मेरे से अभी हम बस पे बैठ के अभी हम जाएंगे वहाँ पे हरम तो आफुल विदा करेंगे और उसके बाद रात को शायद 8-9 बजे हम रियाद के लिए निकलें। और ये हमारा खैमा था तो आफुल विदा करेंगे हम बहुत से। Thank you.
ये देखें मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ और मैंने कभी इतना ज़्यादा रश नहीं देखा। बहुत माशाल्लाह रौनक लगी है, आप कह सकते हैं आज लास्ट डे अलविदाई तवाफ़ का, काफ़ी लोग जा रहे हैं वापस मीना में, मीना से जा रहे हैं। अभी हम भी शायद 10 बजे निकल जाएंगे। तो आफ़र अलविदा करके हम तकरीबन 10 बजे अपनी बस में आ गए थे और 10 बजे हम रात को निकले थे मक्का मुकरमा से और सुबह तकरीबन 8 बजे रियाद पे पहुंच गए थे। तो इस तरह हमारा आज कंप्लीट हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी किसी और नई वीडियो में जो कि सऊदी अरब के मुतल्लिक होगी, इसके फूड के मुतल्लिक होगी या किसी और जगह की ट्रैवलिंग के मुतल्लिक होगी।